तो एवरीवन, आज हम वैक्सिंग की वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से वैक्स कर सकते हैं घर पर भी, और जो बिगनर है वो भी सीख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारी इस तरीके से ये वैक्स गर्म हो रही है और हमारी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि बिल्कुल हम उसको एकदम थिन कर लेंगे। देख सकते हैं आप, एकदम वो मेल्ट हो रही है। और ये मैंने नाइफ लिया है, आप चाहे तो स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे यही इजी लगता है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले आपको, आपके पास टेलकम पाउडर होना चाहिए, वैक्स स्ट्रिप्स होनी चाहिए, और जिससे भी आप स्पैचुला, स्पून वगैरह जिससे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, हमें सबसे पहले आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए, उस पर कुछ भी स्वेट वगैरह नहीं आना चाहिए और ना ही वो गीले होने चाहिए। और सबसे पहले उसके ऊपर टेलकम पाउडर लगा लेंगे हम अच्छे से। और आप गाइस देख सकते हैं ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, और इनकी डायरेक्शन भी कुछ उल्टी फुल्टी सी है। सो हमें ध्यान से करनी है इनकी वैक्सिंग। तो हम टेलकम पाउडर लगा चुके हैं इसके ऊपर और आप देख सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन किस साइड है हेयर्स की। जिस साइड डायरेक्शन होगी उस साइड हम वैक्स लगाएंगे, देन उसके ओपोजिट साइड हमको पट्टी को खींचना है। आप देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन किस साइड है और कैसी इनकी ग्रोथ जा रही है। सो गाइज, हमें इस तरह से वैक्स लेनी है अपने स्पैचुला या किसी भी नाइफ वगैरह पे। मैंने ले ली है ये, और इस तरीके से इसको फैलाना है और उसके बाद हमें अप्लाई करना है। और हमें बहुत ध्यान से लगानी है फूंक मारते हुए, कहीं क्लाइंट की स्किन जल ना जाए या आप अपने ही कर रहे हैं तो आपकी स्किन जल ना जाए। और आप देखिए, मैं जिस साइड हेयर ग्रोथ है उस साइड मैंने लगाई है, और अच्छे से लगा लेंगे हम पहले, और जो बिगनर हैं वो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं ताकि स्किन वगैरह जलने का डर ना हो। और फिर उसके बाद मैंने ये स्ट्रिप्स ले ली है, और आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिप्स कौन सी साइड से सीधी है। जहाँ जहाँ पे मोटे मोटे गड्ढे होंगे वो उल्टी साइड है, और जहाँ पतले होंगे वो सीधी साइड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये मैंने लगा दिया है। और आपको अच्छे से रब करना है, और रब करने के बाद उसको ओपोजिट साइड में खींचना है। ये देखिए, मैं अच्छे से रब कर रही हूँ और आप देख सकते हैं। और फिर इसी तरीके से और हम वैक्स कर लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ पूरी की पूरी आ चुकी है। और ये जो मैंने वैक्स यूज़ की है ये चॉकलेट वैक्स है। और सो गाइस, ये इंस्टेंट एक तो आपको वाइटनिंग देती है चॉकलेट वैक्स, और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है वैक्स करने के बाद, आपकी जितनी भी डार्कनेस होगी उसको वो लाइट करेगी, और आप इसकी स्किन में अलग ही ग्लो मिलेगा आपको। इसी तरीके से हम पूरे हैंड पर कर लेंगे, और आपको फिर उसके बाद रिजल्ट दिखाते हैं हम। गाइस, अगर आप इस तरीके से वैक्सिंग करते हैं तो गाइस आपको आपको वैक्सिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, और अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप शेयर करें इसको। और आप गाइस देख सकते हैं इनकी स्किन कितनी ज़्यादा वाइट हो चुकी है, और सारा डार्कनेस सब निकल गई है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या कोई भी मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज़ कर सकते हैं हम। मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और अब मैं ये यूज़ करती हूँ।